सबको जय माता जी। मैं आपका भाई महिपाल सिंह। अभी सूचना मिली और आप सब के पास भी पहुंची होगी। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति द्वारा, जिसका नाम पुरुषोत्तम रूपाला है, उसके द्वारा हमारे समाज की बहन बेटियों की इज्जत उछाली गई। उसके विरोध में हम लोग गए। मुझे खुद को पुलिस ने गिरफ्तार किया, मेरी टोपी उछाली गई। और आज अभी सूचना आई है, राज शेखावत अपनी बहन बेटियों के सम्मान के लिए वहां गुजरात पहुंचे। एयरपोर्ट पे उनको वो पकड़ा गया। गिरफ्तार पुलिस प्रशासन चाहे कर सकती है किसी को, कोई दिक्कत नहीं, पर किसी को समाज के व्यक्ति की पगड़ी उछालने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर अब भी हम लोग देखते रहे, बिना बात हमारे समाज के नेताओं को पकड़ा जा रहा है, डिटेन किया जा रहा है। मैं अभी गुजरात के बॉर्डर पर हूं। मुझे पकड़ के इन्होंने उदयपुर छोड़ा, हम लोग वापस पहुंच गए। प्रोग्राम था, मैं उस प्रोग्राम में गया, गुजरात के प्रोग्राम में। फिर मेरे पीछे 150 गाड़ियां लगा दी गई। पूरी रात मुझे घेराबंदी में रहना पड़ा। रात को मैं निकल के आया और कैसे तैसे वहां से निकला। तो आप समझिए कि जब तक मैं गुजरात में रहा, कल तक मेरे पीछे पुलिस की गाड़ियां लगा के रखी गई, केवल मेंटली टॉर्चर करने के लिए। भाई ये लोग गुजरात में आके अपनी बहन बेटी की इज्जत पे जो सवाल या निशान इन्होंने खड़ा किया, उसके लिए लड़ नहीं सके। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, जो मुझे सुन रहे हैं, क्या हमारा समाज इतना कमजोर है? जो आज हम लोग हमारी बात को भी नहीं रख पा रहे। इस स्वतंत्र भारत में 565 रियासतें हमने क्या इसलिए दान करी कि हमें बेइज्जत होना पड़े हर दिन? मैं सभी रियासतदारों से, उस हर एक रॉयल फैमिली से बोलना चाह रहा हूं, आप हर एक रियासतदार बाकायदा सड़कों पे आए। हर एक रियासत जिसने इस भारत के निर्माण में दान करी, वो सड़कों पे आए और अपनी बहन बेटियों के खिलाफ जो बोल रहा है बाकायदा उसका सवाल पूछें, इस सरकार से पूछें। क्या हर दिन हम लोग बेइज्जती कराने के लिए बैठे हुए? क्षत्रिय समाज की इज्जत होती है पगड़ी। कभी मेरी टोपी उछाली जा रही है, कभी राज शेखावत की पगड़ी उछाली जा रही है। क्षत्रिय सर कटाने को, मैंने उस दिन मेरे टोपी उछालने को मैंने इश्यू नहीं बनाया, क्योंकि मेरी लड़ाई बहन बेटी की इज्जत उछालने वाले के खिलाफ थी। पर कहीं ना कहीं आपकी मेरी कमजोरी है। मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, इस बात को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों तक पहुंचाएं। हम लोग केवल ये नहीं कर पा रहे कि हमारी बात को पहुंचा नहीं पा रहे। फ्री के नेट से हम उलझुल चीजें देख रहे हैं। क्या हमारे समाज में कोई विपदा आई है? गुजरात का राजपूत पहली बार खड़ा हुआ है, तो क्या पूरे देश का राजपूत खड़ा नहीं हो सकता? मैं आज अभी सिरोही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा और मुझे जो भी सुन रहा है, मेरे कर्ण सेना का पदाधिकारी के अलावा जो भी कोई संस्था का व्यक्ति सुन रहा है, मैं सबसे निवेदन करना चाह रहा हूं, सब मिलकर अगर विरोध करेंगे तभी हो पाएगा। अकेले महिपाल सिंह से और राज शेखावत से नहीं हो पाएगा। यह गिरफ्तारी जिस प्रकार से कर रहे हैं, गुजरात में बैठा हुआ जो अहमदाबाद के आसपास का जो भी राजपूत है, मेरे राजस्थान का जो भी राजपूत वहां बैठा हुआ है, मैं उस हर एक राजस्थान के राजपूत से, गुजरात के राजपूत से और अदर स्टेट के जो भी राजपूत वहां है, उन सबसे बोलना चाह रहा हूं, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे। क्योंकि जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था, मुझे मालूम वहां 200-400 लोग थे, मात्र 200-400 लोग। कम से कम 10-15 हज़ार 20 हज़ार आदमी वहां पहुंचे और बकायदा जेल भरो का नारा हम लोग देंगे। अगर एक राज शेखावत अंदर जा सकता है, तो हम 15-20 हज़ार लोग एक साथ जेल भरो आंदोलन करेंगे, चाहे पूरा देश में हमको करना पड़े। हर दिन ये किस तरीके की तानाशाही है? कि आप कोई भी विरोध का वो करेंगे हम अब तक ये बोल रहे थे मोदी तुझसे बेर नहीं, रूपाला तेरी खेर नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं कि मोदी जैसा व्यक्ति रहे। पर अगर ये चाहते ही नहीं है हमको और हमारे प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है, हमारे बहन बेटियों के प्रति इनके मन में सम्मान नहीं है, तो मेरे मन में भी इनके प्रति कोई सम्मान नहीं है। मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था, मैंने मन से बोला था शपथ खा के मेरी माँ भगवती की, कि आज तक मैंने किसी बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं किया। फिर भी वो जबरन धर्मांतरण पर लगे हुए, जबरन हमें इससे दूर करना चाह रहे। क्यों? क्योंकि अब इनको हमारी जरूरत नहीं है, इनको हमारी जरूरत नहीं है। और अगर इनको हमारी जरूरत नहीं है तो हमें भी इनकी जरूरत नहीं है। एक राजपूत कम से कम अपने साथ 20-30 अलग अलग जाति बिरादरी के लोगों को साथ लेके चलता है। अगर एक राजपूत टूटा तो कितने वोट टूटेंगे इनको समझ में नहीं आएगा। हम कोई कांग्रेस ही है, हम लोग कोई लेफ्टिस्ट है जो हमारे साथ इस तरीके का सोतेला व्यवहार किया जा रहा है। अभी राज शेखावत को पकड़ा, छोड़ा जाए, और नहीं छोड़े तो मैं आपको फिर बोल रहा हूं, मेरे गुजरात अहमदाबाद के आसपास के हर एक राजपूत को, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे कहीं का हो, इज्जत, सबकी इज्जत पे बात है। बहन बेटियां सबके बराबर है। और क्षत्रिय समाज का हर एक राजपूत और क्षत्रिय समाज से जुड़े हुए व्यक्ति, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, आपकी जिस दिन ये बात आएगी हम लोग खड़े मिलेंगे। और गुजरात में अलग अलग तौर पर राजपूत बटे हुए, चाहे वो करड़िया हो, चाहे गिलासदार हो, चाहे काठी दरबार हो, मैं सबको बोलना चाह रहा हूं, चाहे वो कोई सा भी राजपूत हो, करड़िया राजपूत वहां खूब सारे हैं, मैं आपको बोलना चाह रहा हूं, आप अपने आप को राजपूत मानते हैं तो आप भी पहुंचे। गिलासदार राजपूत है वहां खूब संख्या में, वो भी पहुंचे। वो काठी दरबारों के लिए तो फेमस है, एक काठी सब पे भारी, काठी दरबार जो बाबू राठौड़ के वंशज है। मैं उन सब से बोलना चाह रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और अपनी ताकत का परिचय कराएं। अब की बार अगर आपका ये भाई, अगर राज शेखावत जैसा कोई भी, महिपाल मकराना जैसा कोई भी पकड़ा गया, कोई हिम्मत नहीं करेगा। मुझे मालूम है 3 दिन से मेरे साथ क्या हो रहा है, पर मैं कोई फर्क नहीं पड़ता। और हम लोगों ने आह्वान किया था कि राजकोट में वापस से 5 लाख लोगों के साथ आएंगे और इस तरीके की दमनकारी नीति के खिलाफ बाकायदा आवाज उठाएंगे। हर जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो वहां नहीं पहुंच सकता, हर जगह बाकायदा ज्ञापन दें इसके विरोध में। और जब तक इस रूपाला की अब टिकट नहीं करती, अगर इनके नाक का सवाल है बीजेपी के, तो हमारा भी स्वाभिमान का सवाल है, हमारे भी इज्जत आबरू की बात है। आप सब लोगों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जो मुझे देख रहे हैं, एक एक शेयर बटन दबाने से कुछ नहीं होता है, कोई माया नहीं लग रही है। मैं तुम्हारा मैं हकदार छीनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों की ताकत की बात कर रहा हूं, मगर पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं। और आज से अगर 20 साल पहले अगर मैं भी एमएलए एमपी बन चुका होता तो अब तक मुझे ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे कोई एमएलए एमपी नहीं बनना है। आप पॉलिटिकल लोगों के लिए हजारों की संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं और अपने मान सम्मान को बचाने के लिए नहीं हो पा रहे, तो आप समझिए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हम कितने अंदर से कमजोर हो गए। एक निर्दलीय खड़ा हुआ है, एक निर्दलीय, उसको पटकने के लिए क्या क्या चल रहा है बागेश्वर धाम से लेकर खली तक। कौन कौन से स्टार प्रचारक वहां बाड़मेर, जैसलमेर में लगा दिए गए एक व्यक्ति को गिराने के लिए। एक कल का युवा जिसने हिम्मत करी, आपके समाज का युवा है। आप देखिए आपके खिलाफ क्या चल रहा है। आपको लगता है बीजेपी बीजेपी बीजेपी, अरे यार बीजेपी बीजेपी हम भी कर रहे थे, हमने भी नारा दिया था मोदी मोदी। अब की बार मोदी सरकार, क्या इसलिए नारा दिया था अब की बार मोदी सरकार कि मोदी जी हमारा गला घोटेंगे। आपको वो व्यक्ति प्यारा है जो हमारी बहन बेटियों पे आपत्तिजनक टिप्पणी करता है, और हम प्यारे नहीं है जिन्होंने हमारी कमर तोड़वा ली, हमारा जीवन अर्पण कर दिया इस बीजेपी के लिए। उनका मान सम्मान कोई मायने नहीं रखता। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, इस शेयर बटन को दबाइए और इसको आगे तक पहुंचाइए। मैं कोई ये फेसबुक व्हाट्सएप पे नहीं हूं जो मुझे कोई लाइक का भूख है कोई और है। मेरी पिछले कई महीनों से मेरी फेसबुक को, मेरे इंस्टाग्राम को सस्पेंड कर दिया गया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे कौन सा पैसा आ रहा है इससे। पर मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूं जो ये चीजें कर सकते हैं, आपकी मेरी आवाज अगर पहुंचेगी तो इस व्हाट्सएप, फेसबुक, इस सोशल मीडिया बार बार बीच में फोन ना करें, लाइव कट रहा है। मैं आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, आप जो भी मुझे मेरे भाई सुन रहे हैं, ये मेरे दिल की पीड़ा है। अकेला नहीं लड़ पाऊंगा, अकेला कोई राज शेखावत महिपाल मकराना नहीं लड़ पाएंगे। अब आपके बीच में वो नेता नहीं है। कालू साहब हमें छोड़ के चले गए, सुखदेव सिंह गोगावड़ी हमें छोड़ के चले गए। अब आपको और मेरे को ये जंग लड़नी पड़ेगी। इनको लगता है कालू साहब चले गए, इनके ऊपर कोई हाथ नहीं है। मुझे आज भी याद है, इसी गुजरात में 2017 में हमने प्रोग्राम किया था और हमें परमिशन नहीं मिली थी। कालू साहब ने बोला हमें परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं पूरे देश के क्षत्रियों को बोलना चाह रहा हूं, यूपी में बहुत बड़ा प्रोग्राम सहारनपुर में अभी 5 दिन 2 दिन पहले हुआ है। सेम दिन, उसी दिन मैं गुजरात में था और बहुत बड़ा प्रोग्राम यहां भी था। उन लोगों ने दिखाया हरियाणा का राजपूत अभी जगा हुआ है। एमपी में कल से ही विद्रोह विरोध चालू हो गया है। पूरे देश में विरोध जाएगा। अगर इनको लगता है कि ये लोग नहीं कर पाएंगे, कमजोर हो गए, तो ये आप पे मेरे पे आक्षेप है, इल्जाम है। और अपनी पगड़ी का सम्मान तो रखिए यार, राजपूत इतना कमजोर थोड़ी है। हम लोग हर दिन, मैं नहीं बोलता कि हम कांग्रेस की तरफ जाइए, मैं नहीं बोलता कोई बसपा सपा की तरफ जाइए, पर जिनके साथ खड़े हो और वो आपका सम्मान नहीं करे, तो इससे शर्म की बात अपने लिए कुछ नहीं हो सकता। जो भी 2-2.5 हजार लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं सबसे एक बार बोलना चाह रहा हूं, भगवती आप में विराजमान है, तो एक एक शेयर बटन दबा के इसको पूरे देश में फैलाइए कि आज राज शेखावत को भी डिटेन किया गया है, पकड़ के जबरन घसीट के अंदर डाला गया है, पकड़ी उछाल दी गई है। और आप और मैं केवल बैठे बैठे चटकारे ले रहे हैं। क्या महिपाल सिंह चला गया, अब देख लेगा। और महिपाल सिंह को अकेले को तो धर दबोच लेंगे वो। मेरी ताकत समाज है, मैं समाज की बात करता हूं। मैं कोई यहाँ पे चुनाव की बात नहीं कर रहा हूँ। एमपी का चुनाव चल रहा है, मैंने कोई वहां टिकट नहीं मांगी है। आप सब लोगों से बोलना चाह रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, आपको कसम है मां भगवती की। अपने अपने स्तर पर जितना हो सके इस विरोध को आगे तक पहुंचाओ। और जिस रूपाला ने आपकी बहन बेटी के ऊपर यह बोला है कि इन्होंने अपनी बेटियां दी अंग्रेजों को, बेटियां देने का मतलब समझते हो क्या? अपनी बहन बेटी के चरित्र पर अगर कोई उंगली उठाए और राजपूत का जाया अगर चुप रहे, तो कहीं ना कहीं अपने खून में कहीं गर्मी की कमी हो गई है, खून अपना पतला पड़ गया है। तो जवाब दो कि हम जिंदा है। अगर आप जिंदा हो तो जिंदा नजर आओ। मरी कौम का कोई धनी धोरी नहीं होता। रोए से राज नहीं मिलता है, लड़ने से राज मिलता है। ज्यादा नहीं बोलूंगा, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहा हूं, और चाहे 25 जगह लेनी पड़े पूरे राजस्थान में घूमूंगा। तुम गुजरात में मुझे रोक सकते हो, राजस्थान में थोड़ी रोक सकते हो। और एक और मैं बोल रहा हूं, अगर मुझे गुजरात में रोका जा रहा है ना, तो मोदी जी की अमित शाह की रैली नहीं होगी राजस्थान में। क्या हम लोग विरोध नहीं कर सकते? पर अब तक मैं फिर बोल रहा हूं, मुझे ये चीज करने में कोई मजा नहीं आ रहा है, न मुझे इंटरेस्ट है मैं करूं। पर अगर आप जबरन करवाओगे तो बाकायदा इसका जवाब देंगे, बाकायदा जवाब देंगे। जो जो मुझे देख रहा है, मैं फिर बोल रहा हूं, क्या बार बार बोलना मुझे पड़ेगा? क्या एक छोटी सी चीज के लिए बार बार बोलना पड़ेगा? जो गुजरात का राजपूत है पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचे, और जो अलग अलग स्टेट के राजपूत है अपनी अपनी जगह बाकायदा विज्ञापन ज्ञापन दे कि इस रूपाला की टिकट काटी जाए, जब तक हम रुकने वाले नहीं है। अभी जो भी होगा आपको बताया जाएगा। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।